नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV20 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। बलिया जिले के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी देश का दुश्मन है, अगर उसका DNA टेस्ट कर दिया जाए तो उसकी आस्था पाकिस्तान में बसती है। वो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है जिन्ना की तरह। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ओवैसी के भीतर का भाव है भारत की बर्बादी, लेकिन बर्बाद वो हो जाएंगे जो देश के प्रति बुरी नजर रखेंगे। शाहीनबाग का धरना प्रायोजित धरना है। वह मोदी जी, अमित शाह और योगी जी को राम, लक्ष्मण और हनुमान की उपाधि दी। विधायक ने रावण की संस्कृति में ओवैसी है, रावण का मुखिया राहुल गांधी है, रावण की नायिका ममता बनर्जी है, ये सारे लोग रावण खानदान के हैं। इन लोगों की भावना एक है, इनका DNA भी एक है। आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं सुरेंद्र सिंह। को नहीं चाहिए, उसके उल्टा बोल रहा है, अभी उल्टा बोल रहा है। उसका भाव, भीतर का भाव है भारत की बर्बादी चाहिए, भारत की बर्बादी चाहता है। लेकिन भारत की बर्बादी अब नहीं होगा। जिस देश में आदरणीय मोदी जैसा व्यक्तित्व पैदा हो चुका है, अब उस देश को आबाद होना है, बर्बाद नहीं होना है। बर्बाद वो हो जाएंगे जो देश के लिए, देश के दुश्मन हैं। बर्बाद वो हो जाएंगे जो देश के प्रति बुरी नज़र रखते हैं। बर्बाद वो हो जाएंगे जो भारत माता के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं। बर्बाद वो हो जाएंगे जो शाहीन बाग जैसे प्रायोजित ढंग से धरना प्रदर्शन करवाते हैं। समय दूर नहीं है, किसी की हिम्मत हो तो कर, ठीक है ना। अभी भीतर का भाव बोल रहा है। वास्तव में ओवैसी इस देश का दुश्मन है। देश की धरती पर रहता जरूर है, लेकिन भावना उसकी, आस्था उसकी पाकिस्तान में बसती है। उसका DNA टेस्ट करा दिया जाए तो उसकी भावना और आस्था पाकिस्तान में बसती है। वो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है जिन्ना की तरह से राष्ट्र बनाना चाहता है। लेकिन शायद भूल रहा है कि परमात्मा ने इस धरती पर मोदी जैसा, आदरणीय मोदी जी जैसा, आदरणीय अमित शाह जी जैसा, आदरणीय योगी जी जैसा राष्ट्रभक्त पुत्र पैदा भारत माता कर चुकी है। उसका भी दबा हो जाएगा भारत को खंडित करने के लिए। लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी, राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, और उत्तर प्रदेश से हनुमान भी पहुँच गए हैं योगी जी, तो राम लक्ष्मण और हनुमान की जोड़ी भारत में राम राज कायम करके रहेगी और रावण का वध हो के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रावण की संस्कृति में ओवैसी है, रावण की संस्कृति में रावण का मुखिया राहुल गांधी है, रावण की संस्कृति की नायिका जो है ताड़ुकासुर के भांत, लंकिनी की भांत ममता बनर्जी है। तो ये सब रावण खानदान के लोग हैं, ये सब रावण खानदान के एक दूसरे से सटे हुए हैं, इनकी भावना एक है, इनका